तोकते तूफान के बाद एक और चक्रवाती तूफान यास को लेकर उन इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई है जहां इसके आने की संभावना है। एनडीआरएफ अपनी 99 टीमों के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोर्चे पर तैनात है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात यास 26 मई के शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान हवा की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। साथ ही इस दौरान भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलर्ट के बीच रेलवे ने भी 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 25 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में कई नई समस्याएं सामने आ रही है। अभी ब्लैक फंगस से ही सामना हो रहा था कि अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अजीब मामला सामने आया है। यहां एक मरीज में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी मिला है। गाजियाबाद के जिस अस्पताल में यह मामला सामने आया है वहाँ व्हाइट फंगस के ही 7 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस नई मुसीबत बनकर सामने आया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइनस, राइनो, ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है। अलग अलग रंगों से इसे पहचान देना गलत है। ये संक्रमण छुआछूत से नहीं फैलता है। साफ सफाई का ध्यान रखें और उबला हुआ पानी पिए। पेटा इंडिया के सीईओ मनीलाल वलियाते का काफी राहत देने वाला बयान सामने आया है। मनीलाल ने कहा है कि अभी तक पालतू जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। खास तौर पर साथ रहने वाले जानवरों जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और सामाजिक तौर पर पाले जाने वाले जानवरों से भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। मनीलाल ने कहा है कि कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें इंसानों से जानवरों में संक्रमण फैला है, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें जानवरों ने इंसानों को संक्रमित किया है। उन्होंने कहा कि महामारी का कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,550 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 207 मरीजों की मौत हो गई। 30 मार्च के बाद सोमवार को कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले दिल्ली में पाए गए। इस दौरान दिल्ली में संक्रमण दर 2.52% रहा। दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 24,578 रह गई है। सक्रिय मरीजों की दर घटकर 1.73% रह गई है। सोमवार को रिकवरी दर बढ़कर 96.61% हो गई है। चीन के उत्तर पश्चिमी ग्रांसू प्रांत के बेइन शहर में 100 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री पर्वतीय मैराथन पर खराब मौसम कहर बनकर टूटा। तेज हवा और भीषण बारिश के बीच मैराथन जीतने को दौड़ लगा रहे 21 धावक जिंदगी की रेस हार गए। अधिकारियों के मुताबिक 172 धावकों ने मैराथन में हिस्सा लिया था। शुरुआत में मौसम ठीक था, लेकिन रेस शुरू होने के कुछ समय बाद अचानक मौसम खराब होने लगा। यलदो नदी के आसपास ऊंचाई वाले इलाके में आया ये मौसमी बदलाव धावकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि सूबे में आने वाले दिनों में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। जल्द ही विशेष अभियान का आगाज होगा। आज कोरोना संकट के इस घड़ी में पेड़ पौधों की अहमियत लोग समझ रहे हैं। सरकार पेड़ लगाएगी और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को देगी। हरियाली बढ़ेगी तो निश्चित ही भविष्य सुखमय होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए कोरोना केस आए और 4,454 संक्रमितों की जान चली गई। इस दौरान 3,02,544 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना केस बढ़कर 2,67,52,044 हो गया है। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2,37,28,000 पर पहुंच गया है। वहीं कुल जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 27,20,716 है। कोरोना से कुल मौतें 3,03,720 हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान के प्रभाव के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलेंगी। इनकी रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी। इस मौसमी घटना की वजह से मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में मंगलवार को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ बारिश होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 और 24 मई को भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में 25 मई को बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में 25 से 27 मई तक बारिश के आसार हैं। यूपी में भी यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी है।
यास तूफान के प्रभाव से झारखंड भी अछूता नहीं रहेगा। आज से धनबाद और पड़ोसी जिलों में तूफान यास का असर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग रांची ने इसकी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। इसी क्रम में NDRF 9 बटालियन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीम को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधान रहें और मौसम के बदलने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।